हाँ तो बेटा आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं। हमारा चैप्टर है विकास और क्लास है हमारी 10। तो ये 10 क्लास का जो चैप्टर है विकास, ये आपकी अर्थशास्त्र की किताब का चैप्टर है विकास। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विकास क्या होता है। सबसे पहले आपको विकास के बारे में समझना है, विकास क्या है और विकास किसे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए बेटा मैं आपको बताता हूँ विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, या आप इसे कह सकते हो वृद्धि करना। वृद्धि करना यानी कि जब कोई चीज बढ़ती है, किसी चीज का बढ़ना या वृद्धि करना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे एक पौधा होता है, आपने देखा होगा एक छोटा पौधा, ये पौधा क्या करता है, जो छोटा पौधा होता है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पौधे का विकास, यानी कि छोटा पौधा बड़ा होकर क्या बन गया, एक बड़ा पेड़ बन गया। ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा बड़ा होकर आदमी बन जाता है, या जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये क्या है, ये उसका विकास है, यानी कि बच्चे का विकास जो होता है शारीरिक विकास। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में कि विकास क्या है, विकास का मतलब क्या है। ये मैंने आपको उदाहरण समझाए हैं कि किसी चीज का बढ़ना या वृद्धि करना विकास कहलाता है। जैसे एक पौधे का बड़ा होना, एक बच्चे का बड़ा होना, ये क्या है, विकास। लेकिन हम चैप्टर के बारे में देखते हैं कि इस चैप्टर में विकास का मतलब क्या है। तो इस चैप्टर में विकास का मतलब है मानव की इच्छाओं का पूरा होना। ठीक है बेटा, तो मानव की इच्छाओं का पूरा होना ये क्या कहलाता है, ये विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि विकास क्या होता है। तो विकास का मतलब है मानव की इच्छाओं का पूरा होना विकास कहलाता है। जब मानव की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उसे हम विकास कहते हैं। अब देखो बेटा मैं आपको विकास के बारे में बताता हूँ कि विकास कितने प्रकार का होता है। ये यहाँ पर मैंने कुछ विकास के प्रकार लिखे हैं, जैसे पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है आर्थिक विकास, चौथा है धार्मिक विकास, एक है राजनीतिक विकास और एक है बौद्धिक विकास। आपको क्या करना है, आपको बस इनके नामों को पढ़ना है, इनके नामों को समझना है, इनके पीछे जो इनकी डेफिनेशन है वो आप खुद लिख सकते हो, खुद बता सकते हो, क्योंकि इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छिपी हुई है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई शारीरिक क्या है, शारीरिक का मतलब हो गया शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का बढ़ना। शारीरिक विकास में क्या है, शरीर का बढ़ना। हम बात करेंगे मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में आप कह सकते हो बुद्धि का विकास होना। किसका विकास होना, बुद्धि का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, या आप कह सकते हो भाई दिमाग, बच्चे के दिमाग का बढ़ना। तो शारीरिक विकास का मतलब हो गया शरीर का बढ़ना और मानसिक विकास का मतलब हो गया बुद्धि का विकास, अर्थात हमारा जो दिमाग है उसका विकास। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, आर्थिक का मतलब होता है धन, अर्थात हम कह सकते हैं कि धन का बढ़ना, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास धन बढ़ता है, धन की बढ़ोतरी होती है या उसका वेतन बढ़ता है, उसकी आय बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। एक है धार्मिक विकास, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा धार्मिक में क्या आएगा, धर्म, यानी कि धर्म का विकास, धर्म का विकास। यानी कि जैसे आपने सुना होगा भाई हिंदू सिख मुस्लिम
ईसाई अनेक प्रकार के धर्म भारत में रहते हैं। जब लोग धर्मों के आधार पर भेदभाव करते हैं, कोई कहता है कि मेरा हिंदू धर्म है, कोई कहता है मेरा मुस्लिम धर्म है, तो धर्मों का विकास करना, अपने धर्म को ऊंचा समझना, ये क्या कहलाता है? ये धार्मिक विकास कहलाता है, यानी कि धर्म का विकास करना, अपने धर्म को बड़ा समझना। अब हम बात करते हैं भाई राजनीतिक विकास क्या होता है। तो राजनीतिक में मतलब है राजराज से, राजराज से, यानी कि राजनीतिक का मतलब है जो राजराज होता है, जो देश का शासन होता है, देश का शासन होता है, देश का शासन, यानी कि राजनीतिक विकास का मतलब हो गया राजराज में या देश के शासन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी होना या नए नियम बनना, नए कानून बनना, ये क्या कहलाता है? राजनीतिक विकास। यानी कि देश का शासन चलाने के लिए जब नए नए प्रकार के नियम बनाए जाते हैं तो उन्हें राजनीतिक विकास कहते हैं। ये है बौद्धिक विकास। और बौद्धिक विकास मैंने आपको यहाँ पर मानसिक विकास कराया है, मानसिक विकास में बुद्धि का विकास मैंने आपको बताया है, तो आप इसे मानसिक विकास में लिख सकते हो और आप इसे बौद्धिक विकास के नाम से इसकी अलग डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो बौद्धिक विकास का मतलब होता है बुद्धि का विकास होना। तो बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको विकास के बारे में बताया, विकास क्या होता है, विकास का मतलब है बढ़ना, चाहे किसी भी चीज का बढ़ना, जो चीज बढ़ती है तो उसी चीज का विकास होना, ये इसके प्रकार है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक, ये होती है विकास। और इसकी जो वास्तविक डेफिनेशन है विकास की वो है मानव की इच्छाओं का पूरा होना, यानी कि जब मानव की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकास, यानी कि मानव का विकास। तो बेटा इससे आगे आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे।